नमस्कार, चौथे सत्र में आपका स्वागत है। इस सत्र में हम समझने का प्रयास करेंगे कि किसी भी पंचायत को जल संतृप्त पंचायत के रूप में कैसे विकसित करें। पर्याप्त जल युक्त पंचायत पर बात करने से पहले हम जल के महत्व को समझाते हुए इस सत्र की शुरुआत करते हैं। कहा जाता है कि जल के बिना सब कुछ सूना है, जल के बिना जीवन संभव ही नहीं। प्रकृति एवं मानव सभ्यता के विकास में जल की अहम भूमिका है। दुनिया की लगभग सभी बड़ी सभ्यताएं नदियों के किनारे ही विकसित हुई हैं। हमारे वेद पुराणों और संस्कृति में शुरू से ही जल का महत्व रहा है। हम तो नदियों को जीवनदायिनी माता कहते हैं। मानव जीवन में जल की उपलब्धता अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्यास बुझाने से लेकर अनाज उगाने, खाना पकाने, साफ सफाई, मवेशियों और पौधों के साथ साथ उद्योगों को चलाने में भी हर दिन जल की आवश्यकता होती है। ऐसे में ग्राम पंचायतों की जिम्मेदारी है कि वे सभी के लिए साफ एवं सुरक्षित पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करें। इसके साथ ही यह प्रयास करें कि गांव जल के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन सके, जिससे पाइपलाइन के माध्यम से नल कनेक्शन स्थापित किया जा सके और हर घर तक सुचारू रूप से पेयजल प्रदान किया जा सके। इतना ही नहीं, जो पानी घरों तक पहुंचे वह तय मानकों के अनुरूप हो। वहीं जल प्रबंधन और कृषि संबंधी सभी जरूरतों के लिए पानी की पर्याप्त उपलब्धता हो। इसके अलावा गांव में मौजूद जल के पारिस्थितिक तंत्र का संरक्षण किया जाए। पिछले कुछ दशक में जिस तरह से जलवायु परिवर्तन के गंभीर प्रभाव देखने को मिल रहे हैं, उससे हमारे लिए एक बड़ी चुनौती यह है कि अलग अलग उद्देश्य के लिए जो पानी की जरूरत है, उसकी पूर्ति के लिए पर्याप्त मात्रा में गुणवत्ता युक्त जल की व्यवस्था सुनिश्चित हो सके। इस स्थिति में जल का सदुपयोग एवं जल संरक्षण का प्रयास न केवल समाज या विश्व कल्याण बल्कि समूची मानव कल्याण के लिए महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। हम कब कह सकते हैं कि हमारी पंचायत पर्याप्त जल युक्त पंचायत है? जब सभी परिवारों तक शुद्ध जल की आपूर्ति पाइपलाइन के माध्यम से हो रही हो, जब ग्राम पंचायत की सभी संस्थाएं जैसे आंगनबाड़ी, उप स्वास्थ्य केंद्र, पंचायत भवन, स्कूल आदि तक स्वच्छ एवं सुरक्षित पेयजल की आपूर्ति पाइपलाइन से हो रही हो, जल पंचायत के हर घर में सोखता पिट, किचन गार्डन तथा अन्य जल प्रबंधन की वैकल्पिक व्यवस्था हो, जब साल में कम से कम दो बार सभी सार्वजनिक जल स्रोतों के जल का गुणवत्ता परीक्षण किया जा रहा हो, जब जल स्रोतों में जल उपलब्धता की स्थिरता को सुनिश्चित किया जा रहा हो। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए पंचायतों को यह सुनिश्चित करना होगा तालाब, पोखर, नदियां जैसे जल स्रोतों की सुरक्षा और पानी की गुणवत्ता की निगरानी नियमित तौर पर की जाए। सूक्ष्म सिंचाई, माइक्रो इरिगेशन की विधियां जैसे ड्रिप सिंचाई, स्प्रिंकलर सिंचाई और ड्रॉप सिंचाई पद्धति को अपनाया जाए। ग्राम पंचायत विकास योजना GPDP के अंतर्गत वाटरशेड प्रबंधन और पुनरीकरण के लिए सामुदायिक श्रम योगदान बेहतर ढंग से हो सके। लीक हो रहे नल, टूटे हुए नल, जिस पाइपलाइन के माध्यम से जल की आपूर्ति की जा रही है, अगर उसमें कोई समस्या या टूट फूट है तो उसमें तुरंत सुधार करवाया जाए। इसी तरह अगर पानी की टंकी में कोई दिक्कत आ रही है तो उसकी भी जल्द से जल्द मरम्मत करवानी चाहिए। जहां रिपेयरिंग से काम नहीं बन पा रहा हो, उस स्थिति में रिप्लेसमेंट यानी सामान को बदल देना चाहिए। जल स्रोतों और जल केंद्रों के आसपास और सभी ड्रेनेज सिस्टम की नियमित तौर पर साफ सफाई हो। इसके साथ ही पंचायतें योजनाओं का क्रियान्वयन एवं मॉनिटरिंग करें, जैसे तालाब, पोखर, नदियां, जल निकायों के संरक्षण के लिए ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति VWSC, निगरानी समिति और जल उपयोगकर्ता समूहों द्वारा सामुदायिक रूप से मॉनिटरिंग की जाए, जल निकासी व्यवस्था का नियंत्रण किया जाए, जल वितरण नेटवर्क एवं संचालन सही ढंग से हो रहा है कि नहीं इसकी मॉनिटरिंग की जाए, भू जल स्रोतों का पुनर्भरण यानी रिचार्ज की योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन हो, मिट्टी की गुणवत्ता और नमी संरक्षण रखने का प्रयास करें, ग्राम स्तर पर शिकायत निवारण प्रणाली हो,
पंचायतों द्वारा इन पहलुओं को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। घर, संस्थानों तथा खेतों में वर्षा जल संचय को व्यक्तियों और संस्थाओं द्वारा जल के बुद्धिमत्तापूर्ण उपयोग को भूजल पुनर्भरण ग्राउंड वाटर रिचार्ज को खेती किसानी के लिए बेहतर जल प्रौद्योगिकियों जैसे ड्रिप इरिगेशन मिट्टी की नमी संरक्षण आदि को जल के संयुक्त उपयोग को अलग अलग कार्यों के लिए जल के विभिन्न स्रोतों का उपयोग करना जैसे सिंचाई सफाई आदि के लिए पीने योग्य पानी का न्यूनतम उपयोग हो पौधारोपण को जल उपभोक्ताओं से नियमित शुल्क संग्रहण को आदि। आइए हम कुछ विशेषज्ञ और स्थानीय कार्यकर्ताओं से सुनते हैं उनका क्या कहना है इस विषय पर। मैं जल कर की वसूली के लिए नियुक्त किया गया है मेरी पंचायत द्वारा समिति के माध्यम से और बारकोड के माध्यम से हम 100 रुपये मासिक शुल्क लेते हैं जलकर राशि। ग्राम पंचायतों से नागरिकों की अपेक्षा होती है कि वो उनकी मूलभूत समस्याओं के निदान करें और मूलभूत ज़रूरतों में पानी सबसे ज़रूरी ज़रूरत है। सभी लोग अपेक्षा करते हैं कि एक अच्छी पंचायत उनके लिए अच्छी पानी की व्यवस्था करे और इसलिए बहुत सारे कार्यक्रमों के माध्यम से पीने के पानी की सिंचाई के माध्यमों के रास्ते बनाए गए हैं। पीने के पानी के लिए शुरुआत में हैंडपम्प्स की व्यवस्था हुई और अब नल जल की व्यवस्था से भी घरों तक पानी पहुंचाने की बात की जा रही है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर में नल की बात हो रही है। ये जो पानी की व्यवस्था बनाने का पूरा जो प्रयास है और पंचायतों की इसमें जो प्रमुख भूमिका है वो ये देखना है कि लोगों को निरंतर पानी मिलता रहे। कहा गया है कि 55 लीटर प्रति व्यक्ति पानी की व्यवस्था हो लेकिन अगर ये पानी ज़मीन में नहीं होगा तालाबों में नहीं होगा तो ये पानी मिलेगा कैसे। हम सब जानते हैं कि हैंडपम्प्स लगभग 2 से 3 महीने उन सब क्षेत्रों में जो सूखाग्रस्त क्षेत्र हैं वो नहीं चल पाते हैं क्योंकि नीचे से पानी इतना उतर गया है कि हैंडपम्प्स भी नहीं काम कर पाते। तो इसलिए समग्रता में पानी को देखना पड़ेगा। खेती में अगर पानी का ज़्यादा उपयोग होगा तो पीने के पानी की समस्या हो जाएगी। तो पंचायत एक सरकार के रूप में एक अभिशाषी निकाय के रूप में इस पूरे नियोजन को ध्यान में रखते हुए करे कि अगले 5 वर्षों में आने वाले 10 वर्षों में अपने प्राकृतिक संसाधनों को चाहे वो तालाब हो अपने कुएं हो पुरखों के समय से बनाए गए पानी की व्यवस्थाएं हो या हैंडपंप लगाए गए जिनकी उम्र 15 से 20 साल से भी ज़्यादा होती है और जो नलजल के माध्यम से व्यवस्थाएं बनाई गई हैं वो लगातार चलती रहे। सतत चलना ही बहुत महत्वपूर्ण है और इसलिए इसका नियोजन तभी संभव है जब पंचायतें अपने साथ समितियों को भी जोड़ेंगी। जल स्वच्छता समिति को भूमिका देंगी कि लोगों को इस बात के लिए आगाह करें कि कम पानी का उपयोग हो समुचित उपयोग हो। साथ में कृषि में भी ये बात की जाएगी कि कृषि में उन खेती के तरीकों का इस्तेमाल किया जाए जिससे कम से कम पानी का इस्तेमाल हो जिससे कि हम इस संसाधन को बचा सकें। जब तक पंचायतें ध्यान नहीं देंगी तब तक पानी के संवर्धन और पानी के स्थायित्व की कोई बड़ी व्यवस्था बनाना मुश्किल होगा। अभी तक हमने समझा कि अपनी पंचायत को पर्याप्त जल संतृप्त पंचायत बनाने के लिए किस तरह के प्रयास करने की जरूरत है। आइए अब हम समझते हैं कि इन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए केंद्र सरकार कौन कौन सी योजनाएं चला रही है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम NGNRGA, जल जीवन मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम, स्वच्छ भारत मिशन, राष्ट्रीय जल मिशन, महिलाओं के संरक्षण और आधिकारिता हेतु मिशन, राष्ट्रीय नदी संरक्षण कार्यक्रम, बाढ़ प्रबंधन और सीमा क्षेत्र कार्यक्रम, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, भूजल प्रबंधन, राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना, नदी घाटी प्रबंधन। पर्याप्त जल युक्त पंचायत बनाने के लिए
इन योजनाओं के अलावा राज्य सरकार की योजनाओं का भी उपयोग किया जा सकता है। आशा है यह सत्र पर्याप्त जल युक्त या जल के मामले में आत्मनिर्भर ग्राम पंचायत के संकल्प को हासिल करने में मददगार साबित होगा। धन्यवाद।